हेलो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं जो JKSSB है उसने अभी जो न्यू ईयर है उसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसीज दी हुई हैं। ठीक है, तो उसके फॉर्म भरने की डेट जो है 24 से स्टार्ट होगी। आप फॉर्म को भर सकते हैं, काफ़ी सारी वैकेंसीज हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे बात करूँ, आपको पहले वैकेंसीज दिखा देता हूँ। तो ये सारी वैकेंसीज की टाइप्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ठीक है, तो इन वैकेंसीज जो ये पोस्ट निकली हैं इसके फॉर्म को हम कैसे भरें ये मैं आपको बताने वाला हूँ आज। ठीक है, डिटेल में बताऊंगा। ठीक है, इससे पहले अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपके पास कोई भी मैं वीडियो डालूँ आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। ठीक है, तो इस फॉर्म को आपको भरने के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो गूगल में जाना पड़ेगा। गूगल में लिखना पड़ेगा आपको SSBJK। SSBJK लिखने के बाद आप एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करने के बाद सेकंड वाली वेबसाइट को क्लिक करेंगे जिस पे लिखा है SSBJK.org.in। ठीक है, इस पे जैसे ही आपने क्लिक किया आपको क्या करना है, नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, यहाँ पे लिखा है अप्लाई, अप्लाई पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे कि अप्लाई पे क्लिक किया आपने, जो नोटिफिकेशन नंबर 5 में जो फॉर्म भरा था JEE का, या फिर 5 में आपको आपने जो कोई भी फॉर्म भरा होगा वहां पे आपने एक लॉगिन आईडी क्रिएट की होगी। ठीक है, तो वो आप यहाँ पे भरेंगे, ईमेल आईडी और पासवर्ड। ठीक है, और यहाँ पे क्लिक करेंगे, फिर लॉगिन पे क्लिक करेंगे। ठीक है, अगर आपने वहां पे कोई फॉर्म नहीं भरा, अभी तक अकाउंट नहीं क्रिएट किया, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे साइन अप पे। ठीक है, साइन अप पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपके पास कुछ डिटेल पूछेगा। ये डिटेल फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करोगे, वो उसमें आपको एक ओटीपी आएगा। ओटीपी डालने के बाद यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर और भी चीजें जो जो पूछेगा वो आपको डाल देनी है और आपकी आईडी क्रिएट हो जाएगी। ठीक है, आईडी क्रिएट होने के बाद यहाँ से फिर से आपको जाना है कैंडिडेट लॉगिन पे, यहाँ से आप लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको लॉगिन कर लेता हूँ, मेरी आईडी पहले से ही बनी है तो मैं लॉगिन कर लेता हूँ। मैंने लॉगिन कर लिया आईडी से। ठीक है, लॉगिन करना मैंने अपनी आईडी से, यहाँ पे मैंने क्लिक कर लेना, यहाँ पे टिक मार्क का साइन जैसे ही आएगा उसके बाद मैंने लॉगिन पे क्लिक करना है। ठीक है, मैंने लॉगिन पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास दिखा रहा है। ठीक है, यहाँ पे मैं अगर माई एप्लीकेशन फॉर्म पे जाऊंगा अभी तो मेरे पास एक फॉर्म शो कर रहा है जो नोटिफिकेशन नंबर 5 में मैंने फिल किया है। और मैंने क्या करना है, अब यहाँ से ये जो नोटिफिकेशन नंबर 1/2021 का जो फॉर्म है इस पे जाना है, अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही मैं अप्लाई पे क्लिक करूंगा तो मेरी जो क्वालिफिकेशन है उसके अकॉर्डिंग मैं क्या करूंगा, अपनी पोस्ट को सिलेक्ट करूंगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ आपको जूनियर इंजीनियर सिविल की। ठीक है, तो जैसे ही जूनियर इंजीनियर सिविल का फॉर्म भरना है वैसे ही बाकी फॉर्म भी आपको सेम ही भरने हैं। ठीक है, सेम ही प्रोसीजर है। ठीक है, तो मैं बात कर लेता हूँ, इसमें मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करके मैं सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दूंगा। ठीक है, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया उसके बाद यहाँ पे मैंने टिक कर देना, ये ऑप्शन टिक नहीं मिलेगा, यहाँ पे मैंने टिक कर लेना है। ठीक है, इसको भी मैंने टिक करना है। ठीक है, इसको भी टिक करना, इसको भी टिक करना, और मैंने फिर सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना है। ठीक है, जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूंगा मेरे पास कुछ डिटेल पूछेगा। मैंने यहाँ पे सैलुटेशन फिल कर लेना, मिस्टर मिसेस क्या है, यहाँ पे फादर नेम मैंने फिल कर लेना है। ठीक है, यहाँ पे मदर नेम में फिल कर लूंगा। ठीक है, मदर नेम जो भी होगा आप यहाँ पे फिल कर सकते हैं। फिर आपको यहाँ पे मेल फीमेल फिल कर लेना है, यहाँ पे कैटेगरी आपको फिल कर लेनी है, यहाँ पे एक्स सर्विस मैन आप हैं या नहीं है वो आपको फिल कर लेना है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ आपको फिल कर लेनी है, डेट ऑफ बर्थ आपको फिल करनी है जो कैलेंडर के अकॉर्डिंग। ठीक है, आपको सिंपल नहीं लिखनी है, आपको क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ के लिए यहाँ पे जाना है। इसको मैं पहले क्या करता हूँ, कैलेंडर पर यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले तो आपको ईयर सेलेक्ट करना है, तो ईयर कौन सा है, 92, यहाँ पे फिर मंथ सेलेक्ट करना है और फिर डेट सेलेक्ट करनी है। ठीक है, ये करने के बाद यहाँ पे आपकी एज आ जाएगी। ठीक है, एज आने के बाद आपको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में बता देता हूँ। नेक्स्ट स्टेप आपको क्या करना है, यहाँ पे लिखना वेदर यू आर मैरिड आर नॉट, यस आर नो कर देना। यहाँ पे डोमिसाइल आपके पास है या नहीं है तो यस कर दो। ठीक है, उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट है आप यस कर दो।
ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट नंबर डाल देना, ठीक है। सर्टिफिकेट नंबर जैसे ही आप डालेंगे, यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम डाल देना है, ठीक है। तो इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम हम डाल देते हैं। यहाँ पे इश्यूइंग अथॉरिटी का नाम डालने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे डिवीजन सेलेक्ट करनी है, कौन सी डिवीजन है, जम्मू या कश्मीर, ठीक है। यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर देना। डिटेल्स भरने के बाद हमने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे ही हम सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, हमारे पास एक नया पेज खुलेगा। हम देख लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास एक नया पेज खुला है। यहाँ पे हमने अपना हाउस नंबर डाल देना है, ठीक है। हाउस नंबर अगर आपका नहीं है तो विलेज का नाम डाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे लोकलिटी और वार्ड नंबर वगैरह डालना है, तो लोकलिटी मतलब जो आपके नज़दीक वाली चीज़ है वो डाल सकते हैं। यहाँ पे गांव का नाम डाल देना है, ठीक है। यहाँ पे आपको डिवीजन डालना है, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट डालना है, यहाँ पे तहसील डालनी है, यहाँ पे ब्लॉक पंचायत डालने की इतनी जरूरत नहीं है। अगर डालनी है तो आप डाल सकते हैं। जो भी स्टार मार्क के हैं वो आपको कंपलसरी फिल करने हैं, जो नहीं है वो आप फिल कर सकते हैं अगर करना चाहो तो। यहाँ पे आपको पिन कोड डालना है, ये भी कंपलसरी है, ये भी आपको फिल करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम डाल के फिर देख लेते हैं। यहाँ पे डाल लेते हैं। तो जैसे मैंने डिटेल डाल दी, मैंने इसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर लेना। मैं सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देता हूँ। यहाँ पे मेरे पास यहाँ पे पूछेगा का वो हमने जो भरा वो था परमानेंट एड्रेस, हम अब भरेंगे कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस, ठीक है। तो इसमें मैं क्लिक कर देता हूँ सेम एज दैट अ परमानेंट एड्रेस। जैसे ही मैं यस को क्लिक करूंगा, ऑटोमेटिकली जो डिटेल मैंने परमानेंट एड्रेस में भरी थी वो यहाँ पे आ जाएगी। इसमें मैंने जैसे ही क्लिक किया, अब जो मेरी जो डिटेल थी वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ गई, आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे फिर से क्लिक कर लेना। जैसे मैंने सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे से पूछेगा कैटेगरी पूछेगा, ओपन मेरिट ये मैंने पहले से फिल की है। यहाँ पे पूछेगा आर यू स्पेशली एबल्ड, ठीक है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हैं तो येस लिखें, नहीं तो नो लिखें। आर यू एन एम्प्लॉई ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट, अगर आप एम्प्लॉई हैं जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट में काम करते हैं तो येस लिखें, नहीं तो नो लिखें। अगर आप सर्विसमैन हैं तो येस लिखें, नहीं तो नो लिखें। ये लिखने के बाद आप फिर से सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही मैंने ये किया, उसके बाद यहाँ पे है क्रिमिनल प्रोसीडिंग। क्रिमिनल प्रोसीडिंग में आप नो कर देंगे। अगर आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस चल रहा है तो फिर आप यस करेंगे, नहीं तो आप नो नो करेंगे सब में, ठीक है। आप अगर यस करेंगे तो हो सकता है आपको फॉर्म भरने ना दिया जाए, तो इसलिए आप नो नो करेंगे। अगर आपकी कोई चल रही है कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आप यस भी कर सकते हैं। तो इसके बाद आप सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे कि हम बात कर लेते हैं, यहाँ पे एजुकेशनल डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। एजुकेशनल डिटेल्स में ये दिक्कत आ रही थी बच्चों को कि यहाँ पे हमारे पास परसेंटेज है, परसेंटेज तो मैंने फिल कर लिया, इसकी डेट फिल कर ली। यहाँ पे मैंने मार्क्स ऑब्टेंड फिल करने हैं, तो मार्क्स ऑब्टेंड अगर मेरा मार्क्स सिस्टम है तो मैं मार्क्स ऑब्टेंड यहाँ पे फिल कर लूंगा। यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स फिल कर लूंगा मैट्रिक्स के, यहाँ पे 12th के करूंगा, ठीक है। और नीचे जाके मैं अपनी ग्रेजुएशन के करूंगा। लेकिन अगर आपकी जो परसेंटेज है, जो आपकी डिग्री है वो सीजीपीए सिस्टम में है, तो तब आप क्या करोगे, ठीक है। तो उस केस में आप क्या करोगे, मान लेते हैं मैं यहाँ पे बात करता हूँ, आपकी अगर सीजीपीए सिस्टम में है तो आपकी जो सीजीपीए है वो है 8.7, ठीक है। 8.7 सीजीपीए है, तो उसकी जगह पे क्या करोगे आप, 8.7 मल्टीप्लाई बाय 10 करोगे, ठीक है। तो वो कितना आता है, वो आता है 87। तो आप यहाँ पे 87 लिखोगे और मैक्सिमम मार्क्स में आप 100 लिखोगे, ठीक है। ये आप लिख सकते हो। अगर आपको फिर भी डाउट हो, आप जो बोर्ड है JKSSB है उससे कंसल्ट कर सकते हो, ठीक है। वैसे ही आपको इसमें भी करना है, 12th में भी परसेंटेज आपको यहाँ पे फिल कर लेनी है 12th में, ठीक है। परसेंटेज जो भी है आप फिल कर लोगे, उसके बाद जो मैक्सिमम मार्क्स हैं आपके वो भी आप फिल कर लोगे। आपके ये आगे ऑब्टेंड मार्क्स, ये आगे मैक्सिमम मार्क्स, यहाँ पे भी आपके अगर सीजीपीए है तो उसको मैक्सिमम मार्क्स को मार्क्स ऑब्टेंड को 10 से मल्टीप्लाई करोगे और वो लिखोगे। और परसेंटेज कैसे निकालनी है वो आप निकालोगे, उसकी भी मैंने वीडियो बना रखी है कि आपकी यूनिवर्सिटी का सीजीपीए का कन्वर्जन फैक्टर क्या है, उसके अकॉर्डिंग आप अपनी परसेंटेज निकालोगे, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ऐसे ही डिग्री का भी आप ऐसे ही करोगे। तो
ठीक है, और आप उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर दोगे। ठीक है, जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो आपको ये नई वेबसाइट पे ले जाएगा, ठीक है, नए आगे ले जाएगा। आगे आपको फिर जो भी अदर डिटेल, डिक्लेरेशन, फोटो अपलोड का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट करके वो आपको फिल कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे हमें पूछेगा डू यू पोजेस द प्रिस्क्राइब एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एज पर द एडवर्टाइजमेंट नोटिफिकेशन। इसमें आप यस करेंगे। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर, ठीक है, आपको जम्मू में चाहिए या कश्मीर डिवीजन में चाहिए, एग्जाम कहाँ पे देना चाहते हो, तो हम जम्मू भर देंगे। उसके बाद सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। जैसे ही सेव एंड कंटिन्यू पे हम क्लिक करेंगे तो आपके पास एक न्यू पेज खुल जाएगा डिक्लेरेशन का। डिक्लेरेशन में आपको यहाँ पे आई एग्री पे क्लिक कर लेना है और आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। जैसे आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे फोटो अपलोड करना, ठीक है। तो जो मैंने आपको बताया था मोबाइल से और लैपटॉप से फॉर्म भरने का जो हमारे पास डिफरेंस है वो खाली यहाँ पे आ जाता है आपको फोटो अपलोड करने का, ठीक है। तो आपको जो फोटो अपलोड करना है अपने, अगर लैपटॉप से आप फॉर्म भर रहे हैं तो लेस देन 1 MB का फोटो होना चाहिए, लेस देन 1 MB का आपका सिग्नेचर होना चाहिए, ठीक है। तो आपको सबसे पहले तो आपका फोटो जो है लेस देन 1 MB में आपके पास कंप्यूटर में सेव होना चाहिए और सिग्नेचर भी लेस देन 1 MB में आपके पास सेव होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आपके पास सेव नहीं है, आप अभी फोटो खींचते हैं वो 1 MB से ज्यादा आता है, तो आपको क्या करना है कंप्यूटर में फॉर्म भरने के लिए, इसको मैं मिनिमाइज कर लेता हूँ। आपको सबसे पहले यहाँ पे पेंट को ओपन कर लेना है, आपको लिखना है पेंट, ठीक है, पेंट आपको लिखना है, पेंट को आपको ओपन कर लेना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पेंट को ओपन कर लेता हूँ, आपके सिस्टम में भी पेंट का सॉफ्टवेयर होगा, आपको ओपन कर लेना है। उसके बाद आपके पास जहाँ पे आपके पास फोटो होगी, मान लेते हैं मैं अपने सिस्टम से फोटो निकाल देता हूँ, कोई भी फोटो मेरे पास सिस्टम में होगी मैं उसको निकाल देता हूँ और आपको समझाता हूँ कि आपको कैसे करना है। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ, मेरे पास पहले से ही ऑलरेडी लेस देन 1 MB की फ़ोटो भी है और 1 MB लेस देन मेरे पास सिग्नेचर भी है। तो मैं यहाँ पे ब्राउज पे क्लिक करूँगा, जैसे ही मैं ब्राउज पे क्लिक करूँगा ये मेरे को ले जाएगा कंप्यूटर पे। तो कंप्यूटर पे जहाँ पे भी मैंने सेव की होगी फाइल तो वहाँ पे चले जाना है। मैंने डेस्कटॉप पे की सेव की है तो यहाँ पे डेस्कटॉप लिखा है, डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे मैंने फोल्डर का नाम दिया हुआ है, तो ये हमारे पास फोल्डर का नाम यहाँ पे मेरे पास है, सॉरी यहाँ पे फोल्डर का नाम शो नहीं कर रहा है, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ। यहाँ पे हमने फोल्डर का नाम दिया पिक एंड सिग, ठीक है। तो यहाँ पे हमें फिर से यहाँ पे क्लिक कर लेना है, यहाँ पे हमने फिर डेस्कटॉप पे जाना है, डेस्कटॉप पे चले गए, यहाँ पे पिक एंड सिक का आपको ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पे क्लिक कर लेना है। यहाँ पे फोटो को सबसे पहले आपको सेलेक्ट करना है, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जाके अपलोड सिग्नेचर पे सिग्नेचर को अपलोड कर लेना है। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे, आप सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे, सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करने के बाद आपको दिख जाएगा यहाँ पे फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली, दैट मीन्स आपकी फाइल जो है सक्सेसफुली अपलोड। चला जाएगा पेमेंट ऑप्शन पे, पेमेंट ऑप्शन पे यहाँ पे आपको 350 रुपये लगेंगे। यहाँ पे आपको नेट बैंकिंग का ऑप्शन है, डेबिट कार्ड का ऑप्शन है, क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन है, तो जो भी आपके पास है वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो हम डेबिट कार्ड का यूज़ करेंगे, डेबिट कार्ड का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको मोबाइल नंबर लिखना है, यहाँ पे ईमेल आईडी और यहाँ पे पेयर नेम लिखना है, तो ये ऑप्शनल है सारे, इसको आप लिख सकते हो अगर लिखना चाहो तो, नहीं तो आप प्रोसीड नाउ पे क्लिक कर सकते हैं। प्रोसीड नाउ पे जैसे ही आपने क्लिक किया उसके बाद एक नया पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको कार्ड होल्डर का नाम डालना है, यहाँ पे कार्ड का नंबर डालना है, यहाँ पे एक्सपायरी का मंथ डालना है, यहाँ पे एक्सपायरी का ईयर डालना है, तो ये सारा आपको आपके कार्ड पे मिल जाएगा। यहाँ पे कार्ड का कोड है वो डालना है जो कार्ड के पीछे होता है, 3 डिजिट कोड, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है। तो ये सारी चीजें करके मैं कंटिन्यू पे करके जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ।
डिटेल चेक करने के बाद मेरे को लगा कि फॉर्म ठीक है, तो मैं यहाँ पे प्रोसीड टू पेमेंट कर दूंगा। मैंने प्रोसीड टू पेमेंट पे क्लिक किया, यहाँ पे ऑप्शन बताएगा। यहाँ पे ऑप्शन में मैंने जो है कुछ भी फिल करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये ऑप्शंस हैं। उसके बाद मैं प्रोसीड नाउ पे क्लिक करूंगा। जैसे ही मैंने प्रोसीड नाउ पे क्लिक किया, उसके बाद मेरे पास यहाँ पे कुछ डिटेल पूछेगा। कार्ड होल्डर का नाम, कार्ड नंबर जो आपके कार्ड पे होगा, एटीएम कार्ड पे वो डालना है। यहाँ पे एक्सपायरी मंथ डालना है, जो भी एक्सपायरी मंथ होगा आपके कार्ड पे, एक्सपायरी ईयर जो होगा वो डालना है। यहाँ पे कार्ड का कोड डालना है जो कार्ड के पीछे होता है, उसके बाद आपको कंटिन्यू पे क्लिक करना है। ठीक है, तो जैसे ये करेंगे तो आपके पास एक नया विंडो खुलेगा, मैं ये करके बताता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको ओटीपी डालना होगा, ओटीपी आपके मोबाइल नंबर पे आ जाएगा। किया तो यहाँ से जो मेरी पेमेंट है वो कट जाएगी। यहाँ पे लिखा हुआ है पेमेंट सक्सेसफुली डन, यहाँ पे रेफरेंस नंबर दिया है, यहाँ पे टोटल अमाउंट दिया है, यहाँ पे लिखा है व्यू हेड टू अपली योर एप्लीकेशन। ठीक है,